what we call Gandhi Fellowship and Piramal Fellowship. उसमें कुछ 200-250 लोग हम लोग recruit करते हैं every year, जो best colleges में हैं, कई IITs से हैं, कई engineers हैं, और बोलते हैं इन्हें कि आप 2 साल अपनी लाइफ की रूरल इंडिया में डिवोट करें. और आपको ये सरप्राइज होगा कि 12,000 लोग, बच्चे या यूथ अप्लाई करते हैं फॉर ओनली 200 पोजीशन हर साल. तो ताकि दैट मींस के कई यूथ हैं, जैसे आप अक्षय जी बोल रहे थे, दैट हु वांट टू गिव बैक टू द कंट्री. और 12,000 लड़के, अच्छे लड़के लड़कियां, सभी आईआईटी, सभी इंजीनियरिंग, बेस्ट 50 बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया से अप्लाई करते हैं. लड़के हैं, लड़कियां हैं, अर्बन हैं, रूरल हैं, फ्रॉम गुड फैमिलीज, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एंड दे आर गिविंग 2 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ ताकि इंडिया इज बेटर. उनके पेरेंट्स जब ये फैसला लेते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में कोई रिएक्शन है कि उनकी सोसाइटी, जैसा अभी अक्षय ने इशारा किया इस बात को लेकर, उसका कोई तजुर्बा आप शेयर करना चाहेंगे? तो पेरेंट्स, पहले ये कुछ 7 साल से हम लोग कर रहे हैं. पहले 1-2 साल तो पेरेंट्स को बहुत चिंता हुई. अगर मैं होता तो मुझे, दे हैव अबाउट 60,000 प्राइमरी स्कूल्स एंड इंपैक्ट 5,000 इज स्मॉल नंबर ऑफ 60,000. फॉर द फाउंडेशन, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इज एट द क्रक्स ऑफ द इनिशिएटिव, समथिंग दैट द गवर्नमेंट डेस्परेटली नीड्स. ऑब्वियसली सबसे बड़ा काम तो गवर्नमेंट को करना है. मैं तो ये कहूंगा, आज का जो प्रोग्राम है ये आपके NDTV पे आएगा. बस कोई लोग देखेंगे, कोई लोग नहीं देखेंगे. मैं तो कहूंगा इसकी DVD बना के गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को भेजें, आप मेरी तरफ से भेज दें, ताकि वो देखें अगर उन्होंने शायद प्रोग्राम मिस कर दिया हो. प्लस जहां तक साइकोलॉजिकल का सवाल है, यस, बहुत सारे लोगों को उनसे, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने उनसे बात की और बात करके उन्हें समझाया एंड उसे उस मोड़ से बाहर लेके आए. एंड आई एम श्योर कि जिस हिसाब से आपने बात की होगी, यू मस्ट हैव स्पोकन टू हिम वेरी वेल. आज ही की बात है, मेरा बेटा स्कूल से आया, थोड़ा उखड़ा हुआ था, नाराज था, एंड मेरी मतलब समझ में नहीं आया, और साइकिल लेके समुंदर किनारे पे चला गया साइकिलिंग करने. और फिर मैंने फोन करके उससे बात की और कहा, डैड, आई एम इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. क्या हुआ बेटा? डैड, होमवर्क है, फिर मुझे स्पोर्ट्स पे जाना है, फुटबॉल खेलना है, ये बहुत सारी चीजें कर रहा हूं मैं, और आप भी कहते हो फिर स्पोर्ट्स पे मुझे कराटे करना है, ये करना है, तो मैं आई कांट कोप अप विद इट. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट अ स्ट्रेस एंड आई रियलाइज दैट आई शुड जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि इतना स्ट्रेस ना लें. इस चीज को आराम से, प्यार से इसको समझाया मैंने एंड आई गॉट हिम बैक. सो ये जो छोटी छोटी चीजें इनको समझाना, इट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब वहां रूरल एरिया तक कौन कौन जाएगा, उसके लिए क्या क्या करना है, ये तो आपको गवर्नमेंट ही बता सकती है. हम जितनी बहुत छोटी मोट मदद कर रहे हैं, सर तो बहुत हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैंने इनके बारे में बहुत पहले भी सुन चुका हूं. मुझे सर मिलने आए थे और इन्होंने इनके पिरामिल फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई एंड आई एम सो ग्लैड दैट सम पीपल आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. एंड और अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मेरी भी जरूरत पड़े कहीं तो जरूर बोलिएगा. एंड बट यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर लोग फार्मर्स से बात करें और उनसे कहे कि ये करना सही नहीं रहेगा. साइकोलॉजी जो अक्षय जी कह रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपका ऑफर, बिकॉज यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पर साइकोलॉजिकली इसलिए हम लोग 11 स्टेट्स में शुरू किए हैं, 24/7 हेल्पलाइन है, जिधर लोग फोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई डॉक्टर के पास जाना, इट्स अ हेल्थ हेल्पलाइन. और जैसे ये बात को मैंने देखा,
मैंने और नाना पाटेकर साहब ने हमने छोटा मोटा काम किया. आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पास कितने लेटर्स आए हैं कि भले हमें अभी तक पैसा कुछ नहीं, मतलब आप छोटे छोटे हिसाब से मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें अब बहुत अच्छा लगा कि हमारे बात कोई शहर में बैठ के कर रहा है. सो साइकोलॉजिकली दे ऑल्सो फेल्ट बेटर. तो मैं कहूंगा कि ये चीजें अगर मुद्दा बिग हीरो लाइक यू हाथ रखने का वक्त तो है. चाहे हम अपनी कहूंगा कि हमें हमारे देश को भारत देश को किसानों के बारे में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी बेस उस मुद्दे को सबसे आगे लाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर ये सही रहेगा तो देश सही रहेगा. उसके बाद बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी मुद्दे हैं उसके बाद उसे फेस करें लेकिन सबसे पहले किसानों का मुद्दा सॉल्व करें. अजय साहब ये जो किसानों का मुद्दा है ये ऐसे चर्चा आप कर रहे हैं एनडी होगा एंड आई थिंक जो प्रॉब्लम्स है सामने उसका सलूशन भी निकाल सकते हैं. एक चीज जो हम कहना भूल गए बहुत जरूरी है विमेन जो है वो रूरल इंडिया में मेल डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं. दे प्रेफर डाइंग एंड दिस एक्सपेरिमेंट विच वी कैरिड आउट फाउंडेशन डिड इन 5-7 years जिसमें टेलीमेडिसिन और वहाँ के एक लोकल दाई को एक्सपर्ट बना के नाउ दिस प्रोजेक्ट शुड स्प्रेड आउट. नो एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही लिमिटेशन कर सकती है 200 करोड़ लगा देंगे आप 500 करोड़ लगा बट द प्रॉब्लम इज मैसिव. सो इफ गवर्नमेंट एंड अदर कॉर्पोरेट्स कैन कम फॉरवर्ड ठीक समस्या जितनी बड़ी है सबको आना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलाका है खेती का वो एक से नहीं होगा लेकिन बड़ी एजेंसी इसमें सरकार है उसको लीड करना चाहिए और उसको अपने लोगों में भरोसा रखना चाहिए. जितनी सरकारें हैं देश की वो किसानों के लिए अच्छी नीयत से अगर कुछ करना चाहे तो लोग आएंगे कंपनियां भी आएंगी और जरूरी है कि हम बात करें कि जो समस्या क्या है वो लागत और मुनाफे की समस्या है. इस देश में बात होनी चाहिए कि आय इनकम कमीशन बनाया जाना चाहिए प्राइस को लेकर रेगुलेटर को लेकर इस पर बात कीजिए. आप सारे नौजवान इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि दुनिया के देशों में क्या ऐसा किया गया है कि किसान ने अगर करके तो देखिए कि खेत में रोज जाके देखना पड़ता है कि कोई नीलगाय तो नहीं चर गई जो खाद डाला था वो सही है कि नहीं सही है खेती का तरीका बदलना है कि नहीं बदलना है ऑर्गेनिक पर जाना है कि नहीं जाना है. हमें एक आंदोलन के मोड में जाना पड़ेगा और वो तभी होगा मुझे लगता है कि लोग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में लेकिन समस्या का समाधान इससे नहीं हो पा रहा है छोटी छोटी जगहों पर हो रहा है. तो इसके लिए जब तक सिविल सोसाइटी प्रेस नहीं करेगी सरकार को खुद को तमाम एजेंसियों को हम बहुत जल्दी नतीजा नहीं देख पाएंगे. आप अक्षय से और अजय जी से सवाल पूछें मेरे से नहीं. किसान को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्कूल्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है कि उनके खेत में से जो जो आउटपुट आना चाहिए वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. आज अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर एक एग्जांपल में सिर्फ राइस का लूंगा जो इन्होंने लिया था. हिंदुस्तान का एवरेज राइस प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 2 टन है पर हेक्टर. ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 10 टन है. अगर इनको आउटपुट ज़्यादा मिलेगी तो इंडिया भी एक्सपोर्ट भी करना चालू कर पाएगा इनको अच्छा दाम भी मिल पाएगा अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी. यूएस के अंदर 7.5 है बांग्लादेश के अंदर 2.9 है 2.9 मेट्रिक टन पर हेक्टर आउटपुट. इंडिया के अंदर सिर्फ 2 टन है. सबसे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका में किसानों को सर बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा है सर, आप अपने वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी. जो बांग्लादेश में कहां सब्सिडी है वो 2.9 मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है. वियतनाम इज प्रोड्यूसिंग 4.2 मेट्रिक टन ऑफ राइस पर हेक्टर. आप बताइए कि अगर लेट मी ऐड वन मोर थिंग we are using 10 times the water that Israel does to produce 1 ton of rice. अच्छा एक चीज और मैं इस पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है ग्लोबल एरिया वाइज. आई एम टॉकिंग हमारे 44 हेक्टेयर जमीन हमारी राइस होती है जो मतलब अगर उसमें अगर हमें 7 टन या 10 टन ऐसे क्विंटल अब ये सवाल उठ गया है आप अपने अनुभव से बता सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी की कमी है या उसी एक हेक्टेयर खेत में हम ज्यादा धान की फसल ले लें तो आपकी समस्या दूर हो सकती है. माइक ले लीजिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए. ये जो समस्या है हाँ
इसका नहीं है जो क्वांटिटी हम बता लें, हम क्वांटिटी बताएंगे उसका मंडी में मार्केट नहीं है। आप देखिए ना कितना गेहूं गाया, कितना हम आलू गाया, उसका मार्केटिंग नहीं है। उसका समस्या जो किसान का ये है, ये सरकार कर सकती है। देखिए आप अभी जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो किया, ये उसके ऊपर सरकार अमल करे। जो किसान पैदा करता है, जो उसके ऊपर खर्चा आता है, उसका 50% मुनाफा डाल के उसको दाम दें, क्योंकि जो खेती के लागत खर्चे वो 40% बढ़े हैं पिछले 7-8 साल से। जो हमारे दूसरे MSP के रेट हैं वो 2-2.5% बढ़ते हैं। सर हमारे किसान को स्वामीनाथन कमीशन की मालूम है कैसा किसान उसका गैप पूरा करेगा। देखो जो कर्जा है बढ़ता जा रहा है प्राइस, क्योंकि जो इस देश के अंदर 7-8 साल में 1 करोड़ किसान खेती से बाहर हो चुके हैं, खेती करना नहीं चाहते। हमारे बच्चे खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि पंजाब का नौजवान 86% बाहर जाना चाहता है, क्योंकि देश सब तो बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। सरकार को सोचना चाहिए किसान के लिए, क्यों सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही। केरला के अंदर शूतानंदन की सरकार थी, एक दफा उनके 4% ब्याज दिया, और विधानसभा में जो बिल पास किया जो कर्जा मुक्ति का था, उसके लिए उधर सुसाइड रुका उस खित्ते में। सरकार कुछ करने ही नहीं चाहती। और कोई सवाल अगर आप हमारे मेहमानों से पूछ सकें, तो एक दो सवाल आप पूछ सकें सुझाव के जरिए तो अच्छा रहेगा। आइडिया आया जी। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज नुकुल व्यास। साहब जी बोला दो पिक लो करके, तो बिजली हमको रात को 10 घंटे देती, दिन में 10 घंटे बंद रहती साहब। 10 घंटे में आधा घंटे बंद करती, रात में जो जो बिजली रही तो वलित करने को जाना पड़ता। 10 एकड़ खेती में 60,000 रुपए लोन देती, एक पान टपरी रहे तो उसको 50,000 देती थी। वो 20 लाख की खेती है, 60,000 लोन, 2 लाख रुपए खर्चा आया, 30 क्विंटल कपास हुआ समझा, 1,20,000 का कपास हुआ, 80,000 घाटे में हूँ। फिर आत्महत्या कर लूँ तो क्या कर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप, इट इज सो सैड एंड यू कैन सी हाउ मच एंगर इट इज देयर। शासन जवाबदार है इसमें। और करोड़ों हमारे एरिया विदर्भ में करोड़ों खेती है, 95% करोड़ों है बिजली विदर्भ में हो रही। अब यहाँ चका मुंबई में आया मैं, भाव लाया तो चकाचक दिख रहा, इधर हमारे तरफ दो दो तीन तीन घंटे नहीं रहती। चांगल है तुम्हें ऐसा जोरत मनता, तुमसे सगड़ा ऐकना है लोग, तुमसे सगड़ा ऐकना है, चांगल के लोग तुम्हें जोरत सांगित। शेतकऱ्याची परिस्थिती एवढी गंभीर आहे, हो बरोबर आहे, तुम्ही एवढं मांडून मांडले आहे तुम्ही, अजूक मांडाव। आणि शेतकऱ्यांसाठी सभी के लिए सोचने की बात है, शर्म की बात है कि इन समस्याओं के बारे में हम उतनी ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं। उम्मीद हम करते हैं कि ये बातों का सिलसिला बढ़ेगा, ये आज शुरुआत है, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलता जाएगा हम इसे बढ़ाएंगे, और नहीं भी मिलेगा तब भी बढ़ाएंगे, बढ़ा ही रहे थे। सो हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सो चिंता मत कीजिएगा कि इतने सालों से उमा सुधीर अपने मोर्चे पर डटी हुई हैं, श्रीनिवासन जैन आज भी किसी बुंदेलखंड के इलाके में घूम ही रहे होंगे, मैं भी कहीं से घूम ही आता हूं, तो चिंता मत कीजिएगा, अपने तरफ से अपना अपना हिस्सा तो अदा करके जाएंगे। किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम होनी चाहिए। अफसोस कि मुझे भी यही सिखाया गया था कि खेती मत करना, इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है। और Cultivating Hope, this campaign of bringing awareness. We cannot protect our farmers, which is the backbone of the country. They are providing this food, but they themselves and their children. We highlight their condition and bridge the gap between urban Indians and the hands that feed us.